दोस्तों आज देख रहे हैं अपने किचन में मटर पनीर की सब्जी बनाने चल रहे हैं। तो मटर पनीर की सब्जी किसको किसको पसंद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए मटर पनीर की सब्जी बनकर रखा है किसी तरह से। चलिए हम भी आज किचन में बनाने चल रहे हैं और बहुत काफी टेस्टी है सब्जी बना है। तो जैसे देख रहे हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ गया, खाने के लिए तो अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हो कि अच्छे होंगे। जितने माताएं बने भैया हमारे चैनल में नए हों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो दोपहर में जैसे देख रहे हैं कि बज रहा है 2, तो आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों का छुट्टी हो रहा है, 2:22 हो रहा है। तो बाबू के स्कूल में जैसे गया था तो कोई बोला है कि हमारे घर आज मटर पनीर बना था। तो रास्ते में पापा से आके बोला है कि अपने कि हम मटर पनीर आज खाएंगे नहीं, घर पर खाना नहीं खाएंगे। तो बिल्कुल परेशान कर दिया था। तो हम भी सोचे कि चलिए परसों और अतर लग जाएगा तो मेरी वीडियो जब भी छूटता है एक दिन बाद छूटता है। तो और मटर पनीर लेकर आए तो बोले हमसे कि वीडियो भी हम बनाएंगे। फोन जब वहाँ से किए तो मैं तैयारी कर दिए थे सारा। तो यहाँ पे देखिए 2 पैकेट पनीर को लेकर आए हैं। तो पनीर हमने रख लिया है। यहाँ पर देख रहे हैं 4 पीस टमाटर को हमने पीस कर पेस्ट बना लिए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं प्याज को हमने बिल्कुल बारीक ही काट के रखे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लहसुन, यहाँ पे अदरक। तो ज्यादा करके देखते हैं लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी कढ़ाई में तेल डाल देते हैं, उसके बाद प्याज लहसुन अदरक और टमाटर को काट कर डालकर हल्के से भून कर उसके बाद पेस्ट बनाते हैं। तो आज बिल्कुल शादी वाले जैसे हम मटर पनीर बनाएंगे घर पर। यहाँ पर देखें कि अभी थैला भी आया है, इसी तरह से पड़ा है। तो यहाँ पे मटर भी लेकर आए हैं, पैकेट वाला आया है, क्योंकि इस समय अभी उतना मटर बिक नहीं रहा है। इसमें देख रहे हैं एप्पल है, पहले जब भी सलाद के लिए रहता है उनको। ये 2 पैकेट दलिया लाए हैं, 1 पैकेट दही। दही भी जब भी हमारे घर पर आता है इसी तरह से आता है, डेली वाला जाता है। तो खाना खाकर वो केले जरूर खाते हैं, तो केला उन सबको बहुत ज्यादा पसंद है। तो सभी मसाले को रख लिए हैं, तो अब हम इसको काटेंगे पनीर को। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने पनीर को तैयार कर लिए हैं। तो पनीर को अब छोटे छोटे साइज में निकाल लिए हैं तो काट लेंगे। तो जैसे छोटे बड़े आप काटना चाहते हैं तो उस तरह से काट सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। तो मटर को भी पैक को हम फाड़ लिए हैं, तो पनीर इसमें निकाल दे, धो ले रहे पहले। फाइन तेल हो, घी हो, जिसमें आप बनाना चाहते हैं उस तरह से बना सकते हैं। तो थोड़ी सी तेल हम ज्यादा लेंगे इसमें। तो इसमें देखते हैं कि जैसे शाही पनीर में रहता है ढेर सारे खड़े मसाला पड़ता है तो शाही पनीर अच्छा लगता है, इसमें हम ज्यादा खड़े मसाला नहीं डालेंगे, बस लौंग इलायची। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे जीरा डालेंगे आधे चम्मच। उसके बाद यहाँ पे तेजपात डालेंगे, तेजपात हमारा ज्यादा है तो 2 पीस तेजपात भी डाल दे रहे हैं इसमें। अब इसमें हींग को भी डाल रहे हैं। तो आप जैसे देखते हैं कि काजू बादाम रहता है वो भी जैसे पेस्ट इसका पिसाता है प्याज लहसुन का, तो उसमें पीसा जाता है शाही पनीर बनता है, तो इसमें नहीं पड़ता है। कितने लोग ज्यादा लोग देखते हैं इसमें डालते भी हैं। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन। अब इसमें हम हल्के से भुना गया है प्याज लहसुन, तो प्याज को भी हम इसमें डालेंगे। प्याज को आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। अगर हमको दरबरी प्याज इसमें अच्छा लगता है, थोड़ी थोड़ी बारीक काट लिया प्याज को, तेल देखने में ज्यादा लगता था आप लोग को। तो बहुत सारे कमेंट आता है कि आप तेल सब्जी में ज्यादा डालते हैं, बस ये कढ़िया देखने में लगता है चिकन तेल से मालूम चलता है। अब देखते हैं कि हम डालते हैं भुनने के लिए, बिल्कुल तेल नहीं मालूम चल रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधे चम्मच में छोटे चम्मच से नमक डालेंगे। नमक डालने से रहता है प्याज हमारा बहुत जल्दी भुना जाता है। हमारे पास गरम मसाला है तो राजेश मीट मसाला है, तो इसको हमने 2 चम्मच इसमें डाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 चम्मच हमने भर के कश्मीरी पाउडर डालेंगे, इससे जो हमारी सब्जी का कलर बहुत काफी अच्छा आता है। 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत मीठी दही है, खट्टी दही नहीं डालना चाहिए आप जब भी पनीर बनाते हैं। इसी में मसाले में डालकर इसका अच्छे से घोल तैयार करेंगे। तो अच्छे से फेंटना नहीं तो मसाला में, दही में जब मसाले पड़ता है तो फटने लगता है, तो अच्छे से हम फेंट ला रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसी में लाल मिर्च हमने 2 पीस डाले हैं, तो आप लोग को भूल गए दिखाने के लिए।
अब इसमें हम मसाले को जो बनाए हैं पेस्ट इसका भी डाल रहे हैं। इसमें हल्के से पानी डालकर हम धोलेंगे पहले। तो मसाला आप देख सकते हैं कितनी अच्छे लग रहा है, देखने में बहुत काफी अच्छा लग रहा है मसाला यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हैं मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भुना रहा है। अब इसमें हम टमाटर को पेस्ट को भी डालकर भुनेंगे। तो इसके मसाले जितने अच्छे से आप भुनेंगे पहले उतने काफी, जैसे इसका मसाला बनाएंगे उसी तरह आपका मटर पनीर बनेगा। तो इसमें ज्यादा ध्यान देना है आपको, मसाला इसका बढ़िया रखना चाहिए। तो चलिए इस तरह से मसाले को हम भुनेंगे। तो मसाले को 2 मिनट हम ढककर पकाएंगे पहले, ढक के अच्छे से तेल छोड़ देगा। इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी थोड़ी सी। तो कसूरी मेथी डालकर अच्छे से फिर हम इसको मिला लेंगे। आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास था तो हम डाल दिए हैं रहे हैं। एक ही मसाले में से तेल हमारे छोड़ने लगा है, मसाला काफी अच्छे से देख रहे हैं कि भुना गया है यहाँ पे। ये हम डालेंगे मटर को। मटर को डालने के बाद से अब डालेंगे पनीर को। अब इसमें हम डालेंगे पानी, जितना कम बेसी उस तरह से डाल सकते हैं। अब डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे। मटर पनीर देख रहे हैं काफी अच्छा बना है यहाँ पे। अब इसमें हम डालेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार से। तो नमक ध्यान से डालना है क्योंकि थोड़ी सी नमक हम आधे चम्मच उसमें डाले थे प्याज भूनते समय। अब इसको इस तरह ढककर हम 5 मिनट पका लेंगे अच्छे से। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे साइड में मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हम इसमें डालेंगे आप धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती इसमें ढेर सारे हम डाल दे रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब पानी में से धोकर कोई भी चीज पानी में से बाहर निकाल देने में खराब हो जाता है, नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने डाल दिए। तो आप लोग को वीडियो हमारा कैसा लगा, मटर पनीर की सब्जी बिल्कुल सादी जैसे बन के तैयार है। तो सबको ध्यान ज्यादा देना चाहिए कि मसाला हम कैसे कम बेसी डालते हैं उस तरह से। इसमें खड़ा मसाला कोई भी नहीं डाले हमने, देखे हैं जैसे कि आप बस लौंग इलायची डाले हैं, जीरा। इसमें बनकर हमारा तैयार है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब बहुत काफी टाइम से मटर पनीर की सब्जी सबको सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। तो आज का वीडियो हमारा आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। 1 लाइक आप लोग करते हैं तो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए फिर नए वीडियो के साथ आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।